नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 15 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे। तो ये जितने भी करेंट अफेयर आज बने हैं सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए आज का करेंट अफेयर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी करेंट अफेयर आपके सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर आप ऐसे ही वीडियोस का यानी कि जीएस करेंट अफेयर और कई सारे टेस्ट सीरीज का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है इस पर प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहेगा। और देखिए आपको एक काम और कर देना है, अभी वीडियो को लाइक कर देना है, उसको शेयर भी कर देना है व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप के, ठीक है। और देखिए अगर आप इस चैनल का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 15 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे। तो ये जितने भी करेंट अफेयर आज बने हैं सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए आज का करेंट अफेयर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी करेंट अफेयर आपके सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल से डेली करेंट अफेयर, जीएस और कई सारे टेस्ट सीरीज का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बेल आइकॉन इस पर प्रेस कर दीजिए, इससे जो है आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहेगा। और देखिए एक काम आपको और कर देना है, अभी वीडियो को लाइक कर देना है और उसको शेयर कर देना है जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप और फेसबुक हैं, ठीक है, उनमें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें इससे लाभान्वित हो सकें। और देखिए पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे भी कई सारे अपडेट मिलते रहते हैं जीएस और करेंट अफेयर के, तो इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, तो आपको उसका आंसर देना है, तो इसलिए जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए आज के करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2018 को किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए इस बार जो है 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, 15 अगस्त 2018 को, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये क्रम एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बलराम दास टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए बलराम दास टंडन जो है ये आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे और इनका अभी हाल ही में इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। और देखिए इन्होंने जो है 18 जुलाई 2014 को जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का पदभार संभाला था, लेकिन इनका कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ, इनका जो है इनकी आकस्मिक मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। देखिए बलराम दास टंडन जो है इनका जन्म 1 नवंबर 1927 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये थी जानकारी बलराम दास टंडन के बारे में, आपको याद रखना कि बलराम दास टंडन जो है ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, इनका जो है अभी हाल ही में आकस्मिक मृत्यु हो गई है। और देखिए अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ जो है इसकी कैपिटल है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का पद जो है ये अब रिक्त हो गया है, जिनका भी अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, इस पद पर उसका जो है नाम मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, डिटेल में। और देखिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलाहाबाद बैंक के MD को बर्खास्त कर दिया, उनका क्या नाम है। तो देखिए इलाहाबाद की जो MD हैं इनका नाम था उषा अन्न सुब्रमण्यम। और देखिए उषा अन्न सुब्रमण्यम जो है इनका कार्यकाल 13 अगस्त 2018 को जो है समाप्त हो रहा था, ये रिटायर होने वाली थी, लेकिन उसी दिन केंद्र सरकार ने जो है इनको बर्खास्त कर दिया इनके पद से, यानी कि जाते जाते इनके ऊपर एक कलंक लग गया, ठीक है। अब देखिए कोई भी आदमी चोरी करेगा तो उसके ऊपर कलंक तो लगना ही है, यानी कि इनकी बर्खास्ती जो है ठीक उनके रिटायर होने के दिन हुई, ठीक है। तो याद रखना है कि उषा अनंत सुब्रमण्यम जो है ये इलाहाबाद बैंक की MD और CEO थी और इनको जो है PNB धोखाधड़ी के मामले में जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। और देखिए इलाहाबाद बैंक के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि नाम तो इसका इलाहाबाद है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में, ठीक है, और इलाहाबाद बैंक जो है इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गोल्फर एशियाई टूर पर खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर बन गए हैं। तो देखिए इनका नाम है विराज मदप्पा, और देखिए इनका नाम आपको अपडेट लेना है। और देखिए इससे पहले मैंने एक नाम बताया था गगनजीत भुल्लर का, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, गगनजीत भुल्लर जो है ये एशियाई टूर पर खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के गोल्फर बने थे, लेकिन जो विराज मदप्पा है अब इन्होंने जो है उनको भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी उम्र जो है गगनजीत भुल्लर की उम्र 21 साल 3 महीने थी, ठीक है,
और इन्होंने जो है इंडोनेशिया इन्विटेशनल का जो है खिताब जीता था, और वहाँ पे जो है ये बने थे एशियाई टूर पर खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के गोल्फर। लेकिन अब जो विराज मदप्पा हैं ये केवल 20 साल की उम्र में जो है 20 साल की उम्र में बेंगलोर में टेक सॉल्यूशन मास्टर्स में जो है एशियाई टूर पर अपना खिताब जीतने के बाद जो है ये भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर बन गए जिन्होंने एशियाई टूर पर खिताब जीता है। तो ये नाम याद रखना है विराज मदप्पा का, ठीक है, ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय गोल्फर बन गए हैं एशियाई टूर पर खिताब जीतने वाले। और पांचवा प्रश्न है 2018 का वियतनाम ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए ये खिताब जीता है आपके शेशर हिरेन रुस्तावितो ने, ठीक है। तो शेशर हिरेन रुस्तावितो जो है आपके इंडोनेशिया के जो है खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 2018 का वियतनाम ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता है भारत के अजय जयराम को हराकर। तो देखिए इनको जो है स्वर्ण पदक मिला है और जो आपके अजय जयराम है इनको जो है रजत पदक मिला है। देखिए तो देखिए काफ़ी उम्मीदें चल रही थी, काफ़ी नाम इनका जो है चर्चा में चल रहा था कि अजय जयराम जो है ये वियतनाम ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीतेंगे, लेकिन ये हार गए। तो अब इनके सिल्वर मेडल के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है वियतनाम ओपन बैडमिंटन के पुरुष एकल के चैंपियनशिप में, ठीक है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और देखिए इसमें यानी कि वियतनाम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है जो अन्य आपके एकल खिताब और डबल्स खिताब हैं उनके विजेताओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो वियतनाम ओपन बैडमिंटन का महिला एकल्स यानी कि वुमन सिंगल्स का खिताब है ये जीता है सिंगापुर की यो जिया मिन ने, ठीक है। और देखिए जो आपका महिला एकल खिताब था इसमें जो सिल्वर मेडल ये जीता है हान यू ने जो कि चीन की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और देखिए इसमें जो पुरुष डबल्स का खिताब था ये जीता है आपके दक्षिण कोरिया के को शुंग ह्यून और शिन वाक चेवल ने, ठीक है। और इसमें जो उपविजेता हैं ये रहे ली शेंग मू यांग पो युआन, ठीक है, ये दोनों चीनी ताइपे के प्लेयर हैं, ठीक है। और देखिए जो इसमें वीमेंस डबल का खिताब था, ठीक है, यानी कि महिला डबल्स का खिताब है ये जीता है मिसातो अरतामा और अकाने वतनाबे ने, ठीक है, ये दोनों जो है जापान की बैडमिंटन प्लेयर हैं। और देखिए इसमें जो उपविजेता है ये दोनों भी जापान की ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका नाम है नमी मुत्सुयामा और जापान क्या नाम है इनका चिहारू शिंदा, ठीक है। तो देखिए वियतनाम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो मिश्रित डबल्स का खिताब है, ठीक है, देखिए मिश्रित डबल्स में एक फीमेल और एक मेल प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। तो मिश्रित डबल्स का खिताब जीता है निपिटोन फुंगफुआ पेट और सावित्री अमित्रा पाई की जोड़ी ने, ठीक है। और देखिए इसमें जो उप विजेता रहे इनका नाम है अल्फियन इको प्रसाद और मंगल हेला किसका इस्लामी। तो देखिए ये जो उप विजेताओं के नाम है ये बस आपकी जानकारी के लिए हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। मोस्टली एग्जाम में जो है विजेताओं का नाम पूछा जाता है कि महिला एकल पुरुष डबल वीमेन डबल या फिर मिश्रित डबल का खिताब किसने जीता, ठीक है। और देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्ट है ये आपका जो है यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, जो पुरुष एकल खिताब ये जीता है शेशर हिरेन रुस्तावितो ने, ठीक है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं और इन्होंने अजय जयराम को जो है हरा कर ये खिताब जीता है और अजय जयराम जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। और छठा प्रश्न है 2019 में लॉन्च होने वाले मिशन चंद्रयान 2 को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इस चंद्रयान के बारे में मिशन के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, लेकिन कल जो है डिसाइड किया गया कि इसको एक नाम भी दिया जाए, ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है विक्रम, ठीक है। देखिए विक्रम नाम जो है ये बहुत ही सोच समझ के दिया गया है। आपको मैंने पहले बताया कि जो इसरो है, ठीक है, इसरो के जो संस्थापक थे विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई को सम्मान देने के लिए जो है जो आपका मिशन चंद्रयान 2 है इसका नाम विक्रम रखा गया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए जो आपका इसरो है, ठीक है, देखिए इसरो का जो हेडक्वार्टर है मैंने आपको कई बार बताया कि ये बेंगलुरु में है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसरो के फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। और देखिए इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी, ठीक है, तो आज 15 अगस्त है तो इसरो का आज स्थापना दिवस भी है। और सातवां प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं आशीष कुमार भूटानी, आशीष कुमार भूटानी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो ये देखिए 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं ये बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, इनका डेट पूछा जा रहा है और इनकी ही नहीं पिछले जो प्रधानमंत्री थे जैसे कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण योजनाएं स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उनके बारे में भी उनके डेट के बारे में पूछा था, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान या फिर जो भी मतलब अभियान चलाए गए थे उनके बारे में। तो जितने डेट वगैरह मैं आपको बताता हूँ उनको ध्यान सुना कीजिए, उनको नोट भी कर लिया कीजिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो
तो आप सीधे लिखिए फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, ठीक है। तो ऐसे करके एक पेज पे आपको सारी योजनाओं का जो है एक दिन कंप्लीट डाटा मिल जाएगा। और आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपना पहला सोलर मिशन पार्कर सोलर प्रूफ जो है लॉन्च किया है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 2018 को जो है पार्कर सोलर प्रूफ को लॉन्च किया है नासा ने। देखिए कभी कभी एग्जामिनर का मूड जो है घूम जाता है, वो डेट पूछ लेता है, ठीक है, कि किस डेट को लॉन्च किया एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये डेट आपका है 12 अगस्त 2018, इसलिए मैंने आपको ये डेट बता दी है। और देखिए इसके बारे में थोड़ी सी विशेष बातें हैं। देखिए जो पार्कर सोलर प्रूफ है इसको जो है अमेरिका के फ्लोरिडा के केप केनेवरल स्थित प्रक्षेपण स्थल जो है लॉन्च किया गया है डेल्टा 4 रॉकेट से। और देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रोजेक्ट में नासा ने टोटल 103 अरब रुपए जो है खर्च किए। और देखिए जो आपका पार्कर सोलर प्रूफ है इसकी टोटल लंबाई है 9 फीट 10 इंच और इसका जो वजन है ये है 612 किलोग्राम। तो ये पार्कर सोलर प्रूफ के बारे में पूरी जानकारी है। ये डाटा जो है इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइक जरूर किया कीजिए आप वीडियो को, ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वीडियो को जो है अच्छे लाइक मिलते हैं, ठीक है, और जो वीडियो बनाता है यानी कि मुझे जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और देखिए नवा प्रश्न है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी स्टेशनों की सफाई रैंकिंग सर्वे में भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन जो है ये पहले स्थान पर है। देखिए जो आपका राजस्थान का जोधपुर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, राजस्थान का जो जोधपुर रेलवे स्टेशन है ये पहले स्थान पर है इस रैंकिंग में, ठीक है। और देखिए इसमें पहले स्थान पर जोधपुर रेलवे स्टेशन है राजस्थान का, दूसरे स्थान पर जो है राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन है और तीसरे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति रेलवे स्टेशन है ये है। और देखिए इसमें जो सबसे खराब स्थिति में है ये आपका है मथुरा, ठीक है। तो देखिए जो पहला होता है और जो आखिरी होता है यानी कि जो सबसे बढ़िया होता है जो सबसे खराब होता है इन दोनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए एक सबसे खास बात है कि टोटल 407 रेलवे स्टेशनों के, ठीक है, यानी कि भारत के कुल 407 रेलवे स्टेशनों पर सर्वे किया गया था ये, और इसमें तैयार करनी थी टोटल 75 रेलवे स्टेशनों की रैंकिंग। तो देखिए जो 75 रेलवे स्टेशन है इनमें पहले स्थान पर जो है जोधपुर है यानी कि सबसे अच्छी स्थिति में है, सफाई रैंकिंग में पहले स्थान पर है आपका राजस्थान का जोधपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। और देखिए इसमें जो सबसे खराब स्थान पर आपका है यह आपका है उत्तर प्रदेश का मथुरा रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये 75वें स्थान पर है। तो पहले का और 75वें का रैंकिंग आपको याद रखना है। तो देखिए जो लोग SSC बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं, ठीक है, यानी कि वन डे एग्जाम की, उनके लिए ये 4 डाटा ही सफिशियंट है। बाकी जो लोग UPSC और PCS की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं और डाटा देना चाहूँगा। देखिए इस सर्वेक्षण में जो मुख्य बिंदु है आप ध्यान सुनिएगा। देखिए पिछले साल जो है इस सर्वेक्षण में पहले स्थान पर विशाखापत्तनम था, लेकिन इस बार जो है राजस्थान का जोधपुर जो है पहले स्थान पर पहुंच गया, इसको रिप्लेस कर दिया इसने। और देखिए पिछले साल लखनऊ जो आपका देखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपका लखनऊ रेलवे स्टेशन है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ स्टेशन जो है ये पिछले साल 6ठे स्थान पर था, लेकिन अब 64वें स्थान पर खिसक गया, ठीक है, तो यानी कि बहुत बड़ा चेंज इसमें हुआ है। और देखिए जो आपके भारत के 3 सबसे गंदे स्टेशन है, ठीक है, इनमें मथुरा, ग्वालियर और हावड़ा का नाम शामिल है, ठीक है, ये सूचकांक में सबसे नीचे हैं। देखिए जो आपका मथुरा है, ठीक है, ये 75वें स्थान पे है, मैंने इसके बारे में पहले बताया भी है आपको। और देखिए जो ग्वालियर है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का ये जो ग्वालियर जंक्शन है ये 73वें स्थान पर है। और देखिए जो हावड़ा है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये जो है 71वें स्थान पर है, ठीक है, इनकी रैंकिंग आपको याद रखनी है। और एक सबसे खास, ठीक है, खास रेलवे स्टेशन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी इनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ठीक है, तो जो वाराणसी जंक्शन है इसको 69वां पोजीशन मिला है इस रैंकिंग में। और देखिए दिल्ली के 2 स्टेशन हैं, एक है आपका आनंद विहार, ठीक है, आनंद विहार जो ये 5वें स्थान पर है, और जो नई दिल्ली स्टेशन है ये 39वें स्थान पर है, ठीक है, तो इनका रैंकिंग जो है याद रखेगा। और एक सबसे खास बात और है, देखिए बिहार का जो पटना स्टेशन है ये 5 पायदान ऊपर चढ़कर जो है इस साल 23वें स्थान पर पहुँच गया है, और जो मुंबई है, ठीक है, ये 27वें स्थान से जो है अब चढ़कर 13वें स्थान पर आ गया है। तो ये जितने भी डाटा मैंने आपको बताए हैं ये जो है आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में, और इसको पढ़ के जाइएगा UPSC और PCS के एग्जाम में, ठीक है, इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है। और 10वां प्रश्न है, हाल ही में कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और हुरून द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। तो देखिए भारत की सबसे अमीर महिला जो है इनका नाम है स्मिता कृष्णा गोदरेज, ठीक है, और इनकी टोटल संपत्ति जो है ये 37,570 करोड़ रुपए जो है आंकी गई है। और देखिए देश की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में दूसरे स्थान पर आपकी रोशनी नादर हैं, तीसरे स्थान पर आपकी इंदु जैन है, चौथे स्थान पर आपकी किरण मजूमदार शाह हैं। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
देखिए जो आपकी रोशनी नादर हैं इनकी टोटल संपत्ति 30,200 करोड़ रुपये आकी गई है और ये जो है वर्तमान में SCL की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और देखिए तीसरे स्थान पर जो आपकी हैं इंदु जैन ठीक है, इनकी टोटल संपत्ति 26,240 करोड़ रुपये आकी गई है और ये जो है टाइम ग्रुप की चेयरपर्सन है। और चौथे स्थान पर आपकी जो है किरण मजूमदार सहाय ठीक है, ये जो है बायोकान की संस्थापक और प्रबंध निदेशक है ठीक है। तो ये सभी आंकड़े जो मैंने आपको बताए ठीक है, याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन है, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड की यहाँ पे मैंने केवल इनकम बताई ठीक है, बाकी चौथे की नहीं बताई, चौथे का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए मोस्टली पहले का इंपॉर्टेंट है, स्मिता कृष्णा गोदरेज जो है ये भारत की सबसे अमीर महिला है और इनकी टोटल जो कुल संपत्ति है 37,570 करोड़ रुपये ठीक है, इनका नाम आप भूल कर भी मत भूलिएगा। और 11वां प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए देश में निर्मित कितने आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोतों की खरीदारी जो है मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक है, इनकी अध्यक्षता वाली जो आपकी रक्षा अधिग्रहण परिषद है ठीक है, इसने अभी हाल ही में नौसेना के लिए जो है टोटल ठीक है 6 जो है आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोतों की खरीदारी को मंजूरी प्रदान की है। और देखिए इस पर 4,941 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। और देखिए इन पोतों का यूज क्या होगा, देखिए इन पोतों के यूज से जो है समुद्री और तटवर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा तथा निगरानी और समुद्री डकैती रोधी मिशन आपदा राहत तथा बचाव कार्य अभियान को जो सुचारू ढंग से जो चलाया जाएगा। तो ये जो है यूज होगा आपके जो आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोत जो है इनकी जो खरीदारी की जा रही है इससे। और एक सबसे खास बात है कि ये जो 6 के 6 जो है आपके जो आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोत हैं ये इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा ठीक है। और 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 13 से 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ। तो देखिए इस जहाज का नाम है INS सहयात्री। और देखिए मैंने आपको एक सैन्यभ्यास के बारे में बताया था पिछले महीने में जो है 27 जुलाई को ठीक है, 27 जुलाई को जो है ये स्टार्ट हुआ था ठीक है। और देखिए ये स्टार्ट हुआ था आपका जो USA ठीक है यानी कि अमेरिका है, अमेरिका के हवाई द्वीप हैं और इसका नाम है RIMPAC 2018 ठीक है, यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक 2018। तो देखिए ये प्रशांत महासागर में जो है आपका जो हवाई द्वीप है अमेरिका का वहाँ पे आयोजित किया गया था और यहाँ पर आपका जो INS सहयात्री ये पार्टिसिपेट करने गया था इस सैन्यभ्यास में। तो जब ये लौट रहा था तो वहाँ से रास्ते में आपका जो है फिजी गणराज्य पड़ गया, तो ये 13 से 16 अगस्त तक जो है वहाँ पर रुक गया। और देखिए इसके रुकने का पर्पज क्या है, ये 13 से 16 अगस्त तक वहाँ रुकेगा और जो आपके नेवी के ऑफिसर्स वगैरह ठीक है INS सहयात्री में, ये जो है वहाँ के कर्मचारियों से और जो इनके समकक्ष होंगे नेवी के वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे उनसे जो है संवाद करेंगे, वहाँ पे मुलाकात करेंगे। और ये जहाज़ जो है देखिए वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए जो है थोड़ा सा प्रदर्शनी के लिए भी रखा जाएगा ठीक है, ताकि वो इस जहाज़ के बारे में जान सकें कि क्या क्या विशेषताएँ हैं इस आपके INS सहयात्री की। देखिए थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो है आपका अमेरिका है ठीक है और अमेरिका का हवाई द्वीप कुछ इस स्थान पर स्थित है, यहाँ पर RIMPAC 2018 आयोजित किया गया था और ये आपका फिजी है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में ठीक है, छोटा सा आइलैंड वाला कंट्री है। तो देखिए जो आपका पृथ्वी है ये गोल है ठीक है, तो जब आपका ये नॉर्थ अमेरिका से लौट रहा था जहाज कुछ इस रास्ते से ठीक है ऐसे लौट रहा था, तो पृथ्वी गोल है तो ऐसे जो है गोल घूमते घूमते मतलब बगल में आपका देखिए ऐसे तो आपको बहुत दूर दिख रहा है लेकिन जस्ट इसके बगल में ही आपका जो है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है देखा, तो वहाँ पर फिजी स्थित है, तो यहाँ पे ये रुक गया ठीक है, फिर यहाँ से अब जो है फिर ये भारत लौटाएगा, तो ये कुछ इस रास्ते से इंडिया आने वाला है। तो रास्ते में एक पंथ दो काज कर लिया जो आपके INS सहयात्री इसने ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो है 13 से 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ है ठीक है। और देखिए जो आपका फिजी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि फिजी जो है इसकी कैपिटल है सुवा और फिजी की करेंसी जो है ये फिजियन डॉलर। और 13वां प्रश्न निम्नलिखित में से कहाँ पर एक शहर का नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। तो देखिए ये आपका शहर है जापान के टोक्यो का किचिजोजी ठीक है, देखिए किचिजोजी जो है इसका जापानी भाषा मतलब है माता लक्ष्मी का मंदिर ठीक है। और देखिए ये जानकारी किसने दी है, देखिए ये जानकारी दी है जो जापान के काउंसिल जनरल है ठीक है, जिनका नाम है तकियुकी कितागावा। देखिए अभी जो है हाल ही में बेंगलुरु में दयानंद सागर कॉलेज जो है ग्रेजुएशन डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में भारत आए थे, तो इन्होंने जो है वहाँ पर बताया ठीक है कि जापान के एक शहर का नाम जो है हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है और इसका नाम है किचिजोजी और किचिजोजी का मतलब होता है लक्ष्मी माता का मंदिर। तो अब थोड़ा सा हम जापान के बारे में जान लेते हैं क्योंकि जापान से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैक्ट मिल गया आपको। देखिए जापान जो है इसकी कैपिटल है टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे और जापान की जो मुद्रा है ये है आपकी
येन और जो जापान की संसद है इसको हम कहते हैं डाइट। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो डाइट वाला मैंने बताया, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, ये पीसीएस में, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, सब में पूछा चुका है। ठीक है, तो यार क्या कहें, जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं। और चौदहवां प्रश्न है, ब्रिटेन स्थित ऑनलाइन मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस फर्म UGOV द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किसे देश का सबसे बड़ा देशभक्ति ब्रांड माना जाता है। तो देखिए मैक्सिमम लोग पतंजलि में टिक करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि SBI जो है, इसको देश का सबसे बड़ा देशभक्ति ब्रांड माना जाता है। और देखिए इसके बाद जो है नंबर आता है आपका टाटा मोटर्स का, ठीक है, देशभक्ति ब्रांड में। उसके बाद पतंजलि का नंबर आता है, फिर रिलायंस जियो का नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद फिर BSNL का नंबर आता है। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसको कुल लगभग, ठीक है, 48% वोट मिले। ठीक है, एक ऑनलाइन सर्वे किया गया था तो उसमें जो है टोटल 48% वोट मिला था SBI को। तो इसके साथ जो है ये देश का सबसे बड़ा, ठीक है, ब्रांड बन गया इसके साथ। और बाकी उसके बाद जो फिर टाटा मोटर्स, फिर पतंजलि, फिर रिलायंस जियो, फिर BSNL का स्थान आया। ठीक है, और देखिए इस सर्वेक्षण में टोटल 11 श्रेणियों में 152, ठीक है, सॉरी 152 ब्रांड को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो 152 ब्रांड में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले स्थान पर आपका है। ठीक है, तो आप एक लाइन में याद कर लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये जो है भारत का सबसे बड़ा देशभक्ति ब्रांड है। ऐसा कहा है ब्रिटेन स्थित ऑनलाइन मार्केट रिसर्च और एनालिसिस फर्म UGOV ने अपने सर्वे में। तो ये थे आज के करंट अफेयर, और बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए कल का क्वेश्चन आंसर था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और देखिए आज के क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर आपको बताना है, आज का प्रश्न है रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर सेशन के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सके। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि उनको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाए। तो आप जो है जाइए और नहाइए धोइए और अपने अगल बगल में घूमिए, क्योंकि आज बहुत सारी मिठाइयाँ आपको मिलने वाली हैं। आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।